एक शख्स के बैंक खाते में अचानक 5,50,000 रुपए जमा हो गए। उसने आनंद फानंद में पैसे निकाले और खर्च कर डाले। बैंक को गलती का एहसास हुआ तो उसने खाता धारक से पैसे वापस जमा कराने को कहा। इस पर खाता धारक अकड़ गया। उसने कहा कि पैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजे हैं, वापस नहीं कर पाऊंगा। बैंक ने लीगल एक्शन लिया और अब खाता धारक को जेल की हवा खानी पड़ी है। बिहार का खगड़िया जिला ग्रामीण बैंक की बख्तियारपुर ब्रांच अकाउंट होल्डर रंजीत दास के खाते में एक दिन अचानक 5,50,000 रुपए आ गए। बकौल रंजीत सिंह, उन्हें लगा कि खाते में रुपए पीएम मोदी ने भेजे हैं। रंजीत ने अपने खाते से रुपए निकाल लिए और खर्च करने शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद बैंक को अपनी गलती का पता चला। असल में पैसा किसी दूसरे अकाउंट में जमा होना था, लेकिन गलती से रंजीत के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब बैंक ने रंजीत दास से संपर्क किया और पैसे लौटाने को कहा, लेकिन रंजीत ने पैसे वापस करने से साफ मना कर दिया। रंजीत का कहना था कि ये पैसे तो पीएम मोदी ने मेरे खाते में जमा करवाए हैं। बैंक ने बहुत समझाया लेकिन रंजीत नहीं माने। बैंक की ओर से रंजीत दास को रुपए वापस करने के लिए कई नोटिस भी भेजे गए, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंगी। आखिरकार बैंक की ओर से रंजीत दास के खिलाफ मानसी थाने में FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार करके खगड़िया जेल में भेज दिया। मानसी थाना के इंचार्ज दीपक कुमार ने आज तक को बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मामले की बिंदुवार जांच जारी है। 5,50,000 की राशि रंजीत के खाते में ट्रांसफर हुई थी। रंजीत दास को ये क्यों लगा कि पीएम मोदी ने उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं, अब इसका संभावित कारण भी जान दीजिए। पीएम मोदी ने 2014 के अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर हम चोर लुटेरों के जो पैसे विदेशी बैंकों में जमा है उन्हें वापस ले आए तो हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो आम लोगों के साथ विपक्षी भी इसे लेकर खूब ताने मारे। अब जब इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल भी उठते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला सितंबर 2020 में यूपी के बलिया जिले के एक गांव से सामने आया था। हिंदुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक वहां रहने वाली 16 साल की एक लड़की सरोज के अकाउंट में अचानक तकरीबन 10 करोड़ रुपए आ गए थे। वह अपने काम से बैंक गई, तब उसने बताया गया कि उनके खाते में करीब 10 करोड़ रुपए हैं। इसके बाद गांव से लेकर बैंक तक में हड़कंप मच गया, लेकिन लड़की ने इस बारे में खुद ही पुलिस को जानकारी दे दी थी। अब बताते हैं कि अगर खाते में मोटी रकम आ जाए तो क्या करें। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अचानक किसी के बैंक खाते में पैसे आ जाएं तो फौरन निकालकर खर्च करने की बात कभी ना सोचें। अगर आपको अपने खाते में रकम आने का सोर्स मालूम नहीं चलता है तो इस स्थिति में तुरंत बैंक को जानकारी दें। बैंक को इस बारे में नहीं बताकर आप बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि उसे कभी ना कभी तो इस बारे में पता चल ही जाएगा। इसके बाद रिकवरी का प्रोसेस शुरू होगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।